हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद। जिस तरह से अपार सफलता आपके वजह से मुझे टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम में मिली, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के वीडियोस को आपने काफ़ी लाइक किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ वो इस बात को लेकर के है कि किस प्रकार से हम एक पर्टिकुलर डेट पर, जैसे सपोज कीजिए एक डेट से लेकर यहाँ तक, इस तरह की कुछ क्राइटेरिया हो, जैसे 1/4/2019 से लेके 2/5/2022 तक, इस तरह के पर्टिकुलर डेट ऑफ डेट को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करके लेके आ सकते हैं, क्या क्वेरी लगाएंगे एसक्यूएल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। इसी क्वेरी को आप यूज कर सकते हैं माई एसक्यूएल में, एसक्यूएल सर्वर में भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत आसान है, तो ये इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो आपके सवाल हैं उनके जवाब देना अब शुरू करूंगा मैं, क्योंकि आज से थोड़ा सा फ्री हो चुका हूँ, एग्जाम्स वगैरह सब खत्म हो चुके हैं लगभग, ठीक है। अब बोर्ड के एग्जाम बाकी हैं होने तो, और लाइव क्लासेस के बारे में भी आपको डिटेल बता देता हूँ कि टैली की लाइव क्लास हुई या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की लाइव क्लास हुई, जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, 2-4 दिन में ये भी स्टार्ट हो जाएंगी लाइव क्लासेस, तो वहां पर आप अपने सवाल सीधा पूछ सकेंगे हमसे, ठीक है। तो जितना हो सके आप जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। और बाकी जो आप लोगों ने अपार सफलता दिलाई है, एक छोटे से सिटी से होकर मैं देवरिया से बिलोंग करता हूँ, और इतनी ज़्यादा आपने वीडियोस को लाइक किया है, इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वीडियो, इसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो चलिए आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि आज की वीडियो है, ठीक है। पर्टिकुलर डेट को कैसे एक्सट्रैक्ट करके लेके आ सकते हैं उसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। तो सभी आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। आप सभी के लिए इस तरह के वीडियोज मैं लेके आता ही रहूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है, और एक्सेस के अंदर आज हम सीखेंगे क्वेरी लगाना, एसक्यूएल क्वेरी के माध्यम से एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट करेंगे और देखेंगे कि इस डेट से लेकर इस डेट तक की चीजें आए, इस तरह की चीजों को करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, टेबल बनाना है। तो टेबल यहाँ पे देख सकते हैं ये बना हुआ है, लेकिन इस टेबल को अगर आप एसक्यूएल क्वेरी के माध्यम से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सीधे क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से मिलेगा आपको क्वेरी डिजाइन, इसको क्लोज कर दीजिएगा और क्लोज करने के बाद एसक्यूएल पे चले चलिएगा। अब यहाँ से आप क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करके और फिर टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे टेबल ही हमें बनाना है, और टेबल का नाम मैं रख देता हूँ एसटीयूटी, ठीक है, आप जो भी नाम दे, ठीक है। तो ये एसटीयूटी नाम से दे दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देंगे FIRST, ध्यान रखिएगा अंडरस्कोर जरूर लगाइएगा। फर्स्ट नेम, इसका डेटा टाइप क्या होगा, वेरकेयर, तो ये वेरकेयर कर दिया। यहाँ पे इसकी साइज 20 रख दी, कॉमा दे दिया, और फिर लास्ट नेम कर देंगे, तो ये हो गया लास्ट अंडरस्कोर नेम, तो लास्ट नेम भी हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। लास्ट नेम का डेटा टाइप क्या होगा, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट या वेरकेयर कर सकते हैं, तो ये वेरकेयर कर देते हैं, इसकी भी साइज 20 रख देते हैं, कॉमा देते हैं, और फिर लास्ट में हम रखेंगे डेट, डेट DATE, तो डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ BIRTH, तो ये लिख दिया। अब इसका जो डेटा टाइप होगा वो हम क्या देंगे, केवल यहाँ पे लिख देंगे डेट, ठीक है, केवल डेट लिख देना, इसको बंद करना है और यहां से टर्मिनेट करना है। तो यहां पर जैसे ही इसको रन करेंगे ना, यहां पर देखिएगा बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये गैप होने से दिक्कत करेगा। अब जैसे ही रन करेंगे ना तो यहां पर ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ तीनों चीजें आ रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए SURAJ, ठीक है। सेकेंड नेम यानी लास्ट नेम दे देते हैं तिवारी, और यहाँ पे आप देखिए डेट ऑफ बर्थ के लिए ये कैलेंडर आपको मिल जाता है, और यहाँ से जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ सेट करना हो यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप सीधा सीधा चेंज कर सकते हैं ईयर को, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2000 करना है तो यहाँ से 2000 कर लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर आएंगे तो दूसरा रिकॉर्ड हम डाल सकते हैं, इसको इंसर्ट इंटू कमांड करके भी यूज कर सकते हैं आप, ये बहुत आसान है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर दूसरा नाम मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लास्ट नेम एंटर करता हूँ और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करता हूँ, तो ये डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ से चूज कर लेते हैं हम सीधा सीधा, और यहाँ जो भी चेंजेस परफॉर्म करने हैं वो चेंजेस हम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने एक चेंजेस कर दिया, यहाँ 1999 कर दिया, तो ये इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ आप सेट कर सकते हैं, और ये काफी आसान है। तो यहाँ पे एक और नाम लिख देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये नाम लिख दिया, और फिर यहाँ पर जैसे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको वापस से डेट ऑफ बर्थ चूज करने की जरूरत है, तो यहाँ से जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो चूज कर लीजिए, और यहाँ पर आप ईयर चेंज कर सकते हैं, ये आपको सुविधा मिल जाती है।
तो यहां पे देख सकते हैं ये हमने कर दिया। अब ये तीन नाम हमारे पास हो गए हैं, अब वो क्वेरी हमें देखनी होगी, क्वेरी किस तरह से हमें यूज करनी है। तो पहले तो मैं इसको सेव करूंगा, जो भी ये क्वेरी हमने बनाई है इसको मैं सेव करूंगा, ये सेव है ऑलरेडी। तो यहां से अब इसको क्लोज करने की बारी है, यहां से यस कर देते हैं, ये यस ठीक है। और ये जो टेबल बनी इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब यहां पर एक नई क्वेरी लगानी है, और वो क्वेरी क्या है चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहां से जाना है और यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाना है और इस टेबल को क्लोज, जो भी आपका विंडो ओपन हुआ उसको क्लोज कर देना है। यहां पे सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। सेलेक्ट कमांड का यूज कैसे करेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे, यहां लिखेंगे फर्स्ट नेम एफ आई आर एस टी फर्स्ट। अच्छा ये चीज ध्यान देनी है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने अंडरस्कोर दिया है ना वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पे ये लिख लिया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, फिर यहाँ पे कॉमा दे करके क्या करेंगे लास्ट अंडरस्कोर नेम, इस तरीके से हमने दे दिया। और लास्ट में क्या है, लास्ट वाला जो हमने फील्ड दिया है उसका नाम रखा है डेट ऑफ बर्थ, और इसमें भी कहीं गैपिंग नहीं है, तो जैसे दिया गया वैसे ही हमें लिखना है। तो यहाँ ये नेम करके और यहाँ पे कर दिया डेट ऑफ बर्थ बी आई आर टी एच डेट ऑफ बर्थ कर दिया। तो ये इस तरीके से कर दिया हमने, और ये कौन से टेबल से आएगा वो भी हमें देना होगा। तो एस टी यू टी, तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम एस टी यू टी ठीक है। तो ये फ्रॉम एस टी यू टी कर दिया, और यहां पे अब यहां पे देखिए यहां पर कंडीशन मैं दूंगा, ये वेयर कर दिया हमने वेयर। अब यहां पे देखिएगा वेयर हमने किया है, और जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है ना उसमें हम यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करेंगे वेयर डेट ऑफ बर्थ ठीक है। ये लिख दिया वेयर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए देखिए, यहां पर मैं सेट कर रहा हूं लाइक इज ग्रेटर देन कर दिया और इक्वल टू कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, एक हैश का साइन लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे वो डेट, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे कर रहा हूं 1 FEB February और यहां पे कर देता हूं 00 और यहां पे हैश साइन लगा देता हूं ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है, आप देख सकते हैं इसको। और अब इसको करने से होगा क्या, यहां पर अब टर्मिनेशन दे देते हैं और अब इसको चलाने की बारी है। तो चलाने के लिए कहां जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाके यहां से रन करवा देंगे। जैसे ही रन करवाएंगे तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से यहां पे सामने आ रहा है, यानी 00 जिसके लास्ट में था केवल यही वही रिकॉर्ड ये फेच करके हमें दे रहा है। यहां पर आते हैं कुछ और भी यहाँ पे डेटा एंट्री कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया एक और नाम ये कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अब डेट ऑफ बर्थ की जब भी बात आएगी तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे 19 ये देखिए ये 1999 कर देते हैं, ये देखिए 1999। फिर यहाँ पे आइए यहाँ पे एक और नाम लिख देता हूँ, और यहाँ पे नाम लिखने के बाद ये देखिए ये नाम लिख दिया डबल एन हो गया, इसको सिंगल रखना है, ये हो गया ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे वापस से डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ था 00 वाले, अब देखिए यहाँ पे 1990 कर देंगे तब क्या आएगा, ये भी चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए ये 1990 कर दिया, और अब इसको रन करवाने की बारी है। तो यहां से चल के अब इसको रन करवा लेते हैं, पहले तो इसको सेव कर लेते हैं, देन यहां से सेकेंड वाली क्वेरी को दोबारा से हम एक बार रन करवाएंगे। तो यहां से चल के इसको SQL क्वेरी थी हमारी, इसको रन करवा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है 1990 वाला नहीं देगा, देखिए इसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ है जो 2000 या 2000 से, अच्छा 2000 से ऊपर की कोई डेट ऑफ बर्थ हमने दी ही नहीं है, उसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक और नाम देते हैं और यहाँ पे 2000 से ऊपर वाला डेट ऑफ बर्थ ट्राई करते हैं, जैसे 2005 लिख देंगे, 2006 लिख देंगे या इससे कुछ भी ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे 2023 अगर हो तब क्या आएगा, पहले हम यहाँ पे 2005 करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इसको सेव किया, और ये वाली जो क्वेरी है ना इसको दोबारा से एक बार हम चलाएंगे, दोबारा से एक बार देखेंगे कि ये क्या चल रहा है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी 2005 या 2000 से ऊपर का जो भी होगा ना वो आपको ये डेटा फेच करके दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली क्वेरी जो हमने अभी आपको बताई ये आपको समझ में आई होगी। देखिए ये क्वेरी कुछ इस तरीके से हमने लगाया था ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लाइक 95 या यहाँ पे 90 कर देता तब क्या होता, यहाँ पे 90 किया है, अब इसको रन करवा दिया। तो यहाँ पे 90 करने पे देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द सारे लगभग इसमें आ गए हैं। 90 करने का मतलब है कि 90 से लगाए सारे जो भी आपको आपने एंटर किए हैं वो सारे। अगर यही चीज यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहां से चेंज करता हूँ, ये कर देता हूँ 95,
तो अभी देखिए कुछ रिकॉर्ड छूट जाएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रिकॉर्ड हमारे छूट गए हैं। देखिए इसमें यहाँ पर 99, 99, 99 और 2005, 2000 आ रहा है, लेकिन 90 वाला रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। 90 वाला रिकॉर्ड है या नहीं ये दिखाने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए 90 वाला एक रिकॉर्ड है ना इसमें, ये देखिए यहाँ पे ये नाजिया खातून जो है यहाँ पर ये 90 वाला एक रिकॉर्ड है, लेकिन ये छूट गया क्योंकि हमने क्वेरी उसके अकॉर्डिंग बनाई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेरी वाली बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइव क्लासेस के लिए इंतजार कीजिए, लाइव क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। और आपका पेशेंस बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के सवालों का जवाब मैं धीरे धीरे देने की कोशिश करता हूँ, बाकी धैर्य बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।